16 दिसंबर से झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन माननीयों के रवैये से लगता नहीं कि इस बार भी सत्र में जनता के मुद्दे उठ पाएंगे। आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक का बीजेपी ने बहिष्कार किया, वहीं कई और विधायक भी नदारद रहे। एक रिपोर्ट। सोलह दिसंबर से आरंभ हो रहे शीतकालीन सत्र को लेकर विधानसभा परिसर में बैठक हुई, लेकिन सत्र को लेकर हमारे माननीय और सरकार के मंत्री कितने गंभीर हैं, इसकी वानगी भी अभी ही देखने को मिल गई। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक का जहां बीजेपी ने बहिष्कार किया, वहीं दूसरी तरफ आज सुप्रीमो सुदेश महतो और सरयू राय भी बैठक में शामिल नहीं हुए। इस बारे में सत्ता पक्ष से पूछे जाने पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता विपक्ष पर तंज कसते कहते दिखे कि वो कहीं किसी मंदिर में झाड़ू लगा रहे होंगे, इसलिए नहीं पहुंचे। देखिए, एक सप्ताह का सत्र है, छोटा सत्र है, और पक्ष का माननीय सदस्य या विपक्ष का माननीय सदस्य हो, सभी क्षेत्र के प्रति, जनता के प्रति जिम्मेवार हैं कि जो भी जन मुद्दा है सदन में उठाना चाहिए और राज्य सरकार अपनी ओर से जनहित में संतोष उनको जवाब भी दिया जाएगा और काम भी होगा। मुख्यमंत्री जी, जो बीजेपी के लोग हैं वो नहीं दिखाई, एक बार फिर लग रहा है कि वही हो हंगामा होगा। अभी सब देख रहे हैं कि सब यूपी में चुनाव है, तो मंदिर में झाड़ू उड़ू मार रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि फिर झारखंड में वहाँ भी झाड़ू नहीं लग जाए, तभी सब साफ सफ हम लगे हुए हैं। वहीं बैठक में ही संसदीय कार्य मंत्री और कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम भी नहीं पहुंचे। इसे लेकर भी सवाल उठे कि जब संसदीय कार्य मंत्री ही कार्य मंत्रणा की बैठक में शामिल नहीं होंगे तो सदन सुचारू रूप से कैसे चलेगा। सीपीआई ने जहां इसे निंदनीय बताया, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उनका बचाव करते दिखे। सर्वदलीय संसदीय कार्यकारी मंत्री का एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उनको इस बैठक में उपस्थित होना चाहिए, किस कारण से नहीं तो वो समझेंगे, लेकिन जो कि विधायिका को जगह चलाना है, विधानसभा का सुचारू रूप से चलाना है, तो उसमें संसदीय कार्य मंत्री की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर वो नहीं आया तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसमें लगता है, ऐसे मंत्रियों को समय पर रहना चाहिए अपने कार्यालय में। नहीं, संसदीय कार्य मंत्री का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था अपने क्षेत्र में, तो वो नहीं रहे होंगे, बाकी कल से वो रहेंगे और उस पर बात होगी, और स्पीकर महोदय खुद थे और सारे लोग रहे होंगे, तो हमें नहीं लगता है कहीं कोई परेशानी की बात है, उन्होंने पहले ही अपना कार्यक्रम लिया। माननीयों के कार्य मंत्रणा की बैठक को गंभीरता से नहीं लिए जाने के बावजूद स्पीकर ने जहां उम्मीद जताई कि सत्र बेहतर तरीके से संचालित होगा और राज्य हित के मुद्दों पर चर्चा होगी, तो वहीं सीएम हेमंत सोरेन से पूर्व के सत्रों में प्रश्नकाल बाधित रहने को लेकर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसका जवाब विपक्ष के नेताओं से ही लेने की मांग कर डाली। पंचम झारखंड विधानसभा के सप्तम शीतकालीन सत्र आहूत होने वाला है, जो 16 दिसंबर से शुरू हो रहा है, और ये सत्र 16 दिसंबर से लेकर के 22 दिसंबर 2021 तक चलने वाली है। उम्मीद से थोड़ा कुछ होता है, उसके लिए तो मेहनत करना पड़ता है, और मेहनत जो हम लोग किए हैं कि ये सत्र से नहीं चलने के सवाल है, कहाँ से है, सत्र तो बेहतर ढंग से चलेगा ही। विधानसभा अध्यक्ष जी ने कार्य मंत्रालय की बैठक बुलाई थी और जो शेड्यूल था वो शेड्यूल में चर्चा हुई और कार्रवाई सदन के अंदर स्थिति को ध्यान में रखकर कुछ बातों पर कुछ बातें आई है कि इन सब बातों को भी टेकअप किया जाए कि जो समय दिख रहा है उस समय में कुछ चीजें अभी बता पाना मुझे लगता है कि मेरे लिए तो संभव नहीं होगा, वो तो विधानसभा ऑफिस से ही पता चलेगा कि कहाँ कहाँ किस तरीके से वो समय निकाल रहे हैं और किन किन चीज़ों को समाहित करने का निर्णय लिया जाएगा।
और मुझे लगता है कि आज तो विपक्ष के साथी तो नहीं नजर आए, अब वो आते हैं तो उनका क्या मुद्दा आता है उसका। शीतकालीन सत्र की अवधि छोटी है, लेकिन विपक्ष के तेवर सरकार को घेरने को लेकर अभी से गर्म है। ऐसे में सत्र हंगामे की भेंट चढ़ता है या फिर जनहित के मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा होती है, ये देखने वाली बात होगी। रांची से न्यूज़ 22 स्कूप के लिए प्रतीक सिंह के साथ मदन सिंह की रिपोर्ट।